बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क, जिसने कि हर तरफ रौला डाला हुआ है, शोर मचा हुआ है कि कंडेंस मिल्क आखिर है क्या। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि आप किस तरह से घर पर कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी कटोरी है और कढ़ाई में रखा है हमने 1 लीटर मिल्क, जिसको कि हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और गैस पे रखा है और इसको हमने पकाना है। और जो कटोरी मैंने अभी आपको दिखाई है, वो हम इसमें 2 कटोरी चीनी डालेंगे, ठीक है। यानी कि 1 लीटर मिल्क के अंदर आपको 300 ग्राम जो चीनी है वो डालनी है, ठीक है, 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है और पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस और मेरा चैनल कैसा लगता है। तो इस तरह से मिल्क लिया, कच्चा मिल्क आपने लेना है जो डेली हम घर में यूज़ करते हैं 1 लीटर, और उसमें आपने 300 ग्राम जो चीनी है वो डाल देनी है और इसको आपने पकने देना है, ठीक है। कंडेंस मिल्क जो है, इससे बनाई जाती हैं मीठी चीज़ें, ख़ास तौर पे ये कुल्फ़े में यूज़ होता है, आइसक्रीम के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने दूध दुलारी की रेसिपी बनाई थी, दूध दुलारी के अंदर यूज़ होता है। तो मीठे के अंदर जो ये कंडेंस मिल्क है, ये यूज़ किया जाता है बाज़ार से, मार्केट से, बेकरी से, किसी भी मॉल से, आपको जहाँ से आप किचन का सामान लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें, आपको वहाँ से ग्रॉसरी वालों से बहुत आसानी से मिल सकता है। मगर कंडेंस मिल्क बहुत महंगा है। जिस तरह से आप बाज़ार से मक्खन लेके आए, बटर ख़रीदें, तो वो कितना महंगा होता है। तो इसी तरह से चीज़ आप ख़रीदते हैं, पनीर वगैरह, वो भी बहुत महंगा होता है। तो इस तरह से कंडेंस मिल्क भी बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है। आप इसे बनाइए घर पे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे जो मिल्क है वो गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसको हमने और पका के गाढ़ा करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मिल्क है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं और इस तरह से थिक हो गया है। इसी तरह से आपने मिल्क को पकाना है, चीनी डालनी है, और अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर जो खुश्क मिल्क पाउडर होता है 1 कप, वो भी इसे डाल सकते हैं जब आपने इसमें चीनी डाली थी, ठीक है। तो इस तरह से तैयार करने के बाद आप इसे रखें फ्रिज के अंदर, ये ठंडा हो जाएगा। आप इसे यूज़ करें किसी भी मीठी रेसिपी के अंदर, किसी भी जो आप स्वीट डिश बनाते हैं, स्पेशली आइसक्रीम के लिए ये तो मस्ट है। आइसक्रीम के लिए आपको कंडेंस मिल्क चाहिए होता है, और क्रीम और जो फ्रूट आपने जिसकी आइसक्रीम बनानी है आपको वो चाहिए। मिक्स करें, ब्लेंड करें, आप इसको बीट करें और आपकी जो आइसक्रीम है वो तैयार हो जाएगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कंडेंस मिल्क आखिर है क्या, कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ है। तो ये है कंडेंस मिल्क, आप दूसरी ज़ुबान में से कह सकते हैं कि ये होममेड खोया टाइप चीज़ है, ठीक है। तो ये तैयार हो चुका है, इस तरह से इसे आप बनाइए और आइसक्रीम के अंदर डालिए। ये है आपके पास कंडेंस मिल्क, आप इसमें क्रीम डालिए, आप इसमें फ्रूट डालिए और आप मज़े की आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपने 2 लीटर दूध का बनाना है तो तब आपने 600 ग्राम चीनी इसमें डालनी है, ठीक है। और इसमें आपने कोई इलायची वगैरह नहीं डालनी, जस्ट आपने चीनी डालनी है। अगर दिल करे तो आप इसमें 1 कप ड्राई मिल्क डाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं डालना। सिंपल आसान रेसिपी आपके सामने है। जब भी आपने आइसक्रीम बनानी है, पहले इसको बना कर रखें, आप इससे 3 डिशेस जो है 3 बॉल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, इंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।